हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिज़ॉर्ट। सारे पपीज़ को खाने के बाद पीछे ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ दिया है। यह झुमकी ऑस्कर। ऑस्कर आज घर जाएगा। ऑस्कर के ओनर ट्रेनिंग से बहुत खुश हैं और वो उसे कुछ दिनों के लिए घर लेके जाएंगे, क्योंकि जो इनके ओनर हैं और जो पहले भैया टेक केयर करते थे ऑस्कर की, उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कुछ दिनों के लिए ऑस्कर आज घर पर जाएगा। ऑस्कर बहुत ही समझदार डॉग है, जेनेटिकली भी बहुत अच्छा डॉग है। और फिर मैं आ गया फार्म पे। ये हमारी नई बछेरी है, इसका नामकरण अभी तक नहीं किया है। इसकी जो मदर है वो देवराज ऑफ रणसी की है और इसकी जो माँ है वो मोर है, जो कि शौर्य इनटू साहिबा की है। ये बच्ची का जो सायर है वो पराग है और ये हमारे घर की फिफ्थ जनरेशन है। पराग की मदर और उसकी मदर भी हमारे घर में ही रही है। ये बहुत प्रोमिनेंट ब्लड लाइन से है। ये रत्नाकर देवली वरखाना लाइन का बहुत अच्छा मिक्सचर है। इसका जो सायर है पराग, वो चेतक जो कि रत्नाकर का बेटा है, और इसकी जो मदर है वो देव इंटू वसुंधरा की बेटी है, और वसुंधरा हमारे रत्नाकर की बेटी है, जो कि अभी जतिन भाई सरीन के पास है। ये है हमारी गोल्डन। गोल्डन को पेडॉक में दौड़ने के लिए छोड़ दिया। ये हमारा बॉक्सर है। बॉक्सर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ट्रेनिंग के बाद से। ये अब घोड़ों पे इतना एग्रेसिव नहीं होता, बट फिर भी आदत जाते जाते जाती है। अब ये हमारा काम आसान कर देता है। जब घोड़े पेडॉक में होते हैं तो ये घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, जिस कारण घोड़े भी आगे आगे दौड़ते रहते हैं और उनका वर्कआउट हो जाता है। तो हमें कुछ भी बजाने की या बार बार उनके पीछे घोड़ों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बॉक्सर के घोड़ों के अगेंस्ट बैड बिहेवियर का कुछ तो हमें एडवांटेज मिला है, कि वो जो घोड़ों के प्रति जो एग्रेशन शो करता था, जब से उसको खुला रखना चालू किया है, अब हम उसको दिन में भी थोड़ी देर भी नहीं बांधते। वो 24 घंटे खुला रहता है और वो दिन भर घोड़ों के आगे पीछे घूमता रहता है। तो धीरे धीरे इसकी कुछ एक महीनों में बॉन्डिंग भी घोड़ों से अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने ट्रेन किया हमारी गोल्डन रिट्रीवर डेजी को। डेजी जयपुर और अलवर शो जो चल रहा है उसमें जाएगी। शो हैंडलिंग और ओबीडियंस ट्रेनिंग दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। ये बच्ची 26 दिसंबर को 6 महीने की हुई है और ये बच्ची 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। इसका नेचुरल स्टैक भी अच्छा है और ये बहुत अच्छे तरीके से खड़ी रहती है। होपफुली ये रिंग में भी बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगी उस दिन। हम कोशिश करेंगे कि हम एक दिन पहले रिंग में पहुँच पाए। जो लोग डॉग शोज़ में आते हैं और वो कोई कारणवश हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये एक स्पोर्ट्स है। इसमें आप एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से उतरें। आप किसी भी जज के अगेंस्ट या किसी भी टीम प्लेयर के अगेंस्ट कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो इंसान ने कितनी मेहनत करी है उस डॉग को उस लेवल पर लाने के लिए। वो उस हर इंसान अपने लेवल की जैसी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत वो करता है। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान मेहनत करने से मना कर देता है। तो जब आप एक कमेंट या आप एक कुछ भी गलत रिव्यू किसी के खिलाफ लिखते हैं, तो वो उसका उसके करियर पे बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। बट अगेन, लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो यही मानना है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप रखें और आप उनको इस भावना से खेलें कि हमें तो सबका साथ चाहिए एंड आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर आप लाइफ स्टॉक के बिज़नेस में हैं, अगर आप शो बिज़नेस में हैं, तो कभी आप ऊपर होंगे, कभी आप नीचे होंगे। कभी आपके घर में बहुत सुपर बच्चा बच्ची आएगा, कभी आपके घर में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
जो हमेशा अच्छा रिजल्ट निकालते हैं वो बहुत ही लंबे समय से ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये हमारे दीपक भैया हैं जो उसी वक्त हमारे टाइसन को भी ट्रेन कर रहे थे। हम जितने भी भाई हैं जो चाहे घोड़ों पे हैं चाहे डॉग्स पे हैं, हम साइमल्टेनियस कंटिन्यूस ट्रेनिंग का काम तो करते ही हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ट्रेनिंग है। हमारा जो डॉग ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जो हमारा हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उनका फोकस ही होता है कि हम इनका बिहेवियर सुधारें। टाइसन भी बहुत रूड डॉग आया था हमारे पास, बट ही इज़ अ लॉट बेटर डॉग नाउ। इसमें कंपोजर बहुत अच्छा आ गया, शांत रहने लग गया ये बच्चा। हम अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू हॉर्सेज एंड डॉग्स, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।